जबलपुर के मड़ोताल थाना अंतर्गत नाक के नीचे ही देशी शराब दुकान से चोरी छुपे आधी शटर उठाकर शराब बेचने का काम किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने एक स्टोरी यहां पर तैयार की और ये स्टोरी में साफ दिखा दिया कि शराबबंदी के बावजूद यहां शराब परोसी जा रही है, शराब अवैध रूप से बेची जा रही है। शासन और प्रशासन की नजर नहीं है या जानबूझकर शराब माफियाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर हमारी टीम ने आबकारी विभाग के सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश चौधरी से इस विषय में बात की और एक वीडियो भी दिखाया जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ शराब बेची जा रही है, तो उनका कहना यह है कि कार्रवाई करवाएंगे। हालांकि कार्रवाई कब होगी अभी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा। दारू की दुकान नीचे से दारू सप्लाई की जा रही है, अभी कोरोना काल लगा हुआ है, क्या कार्रवाई करेंगे आप उसकी? उसको कार्रवाई पीछे सील करना पड़ेगा, फिर से संभवतः पीछे सील तोड़ के घुस गया अंदर ऐसा लग रहा है। अच्छा, और जो ठेकेदार है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? केस बनाया जाएगा। इस तरीके की इतनी शिकायतें प्राप्त हुई अभी तक आपको? अभी तो पहली बार वीडियो आया है जी, आज सुबह मिला था मुझे वीडियो, स्टाफ पहुँच रहा है थोड़ी देर में, हम भी पहुँच रहे हैं। जब सवेरे आपके पास वीडियो आए थे तब देर से अपन कार्रवाई कर रहे थे, कुछ नहीं अंग्रेजी दुकान पीछे सील करके आ गए थे, स्टाफ सा नहीं थी जी, उनको बुलाया था कि जी सील करना है तो आ जाओ, स्टाफ पहुँच रहा मोटरसाइकिल से। वहाँ इस दुकान का ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो पूरे जिले का ही है, राजवाई उनका है भरे कार्रवाई होगी। पीछे देखेंगे सीट टूटी है, लोग अंदर है क्या है, जैसे नीचे शटर से दे रहे हैं ना, उसको मतलब अंदर हो गया आदमी, उसको खुलवा के बंदर वाली हुई बाहर करेंगे, सील करेंगे उसको जी, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी, कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे इस हिसाब को जी। क्या नाम है आपका सर? आरके चौधरी।